السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدات من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين क्या हाल हैं आप सबके उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ख़ैरियत से होंगे दुआ सबाना तआला आप सबको अपनी हिफ मान में रखे दीन को बेहतरीन तरीके से समझने वाला और अमल करने वाला बनाए और इसे दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएँ हमारा आज का टॉपिक है अहमियत ज़कात ज़कात की अहमियत अहमियत के मानी होते हैं ज़रूरत वक्त मंजिलत और मुराद है कि हम इसकी अहमियत को जानते हुए ये समझ सकें कि क्यों ज़रूरी है यानी अगर हम ज़कात की अहमियत को नहीं जानेंगे इन अहदीस को नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे इन पर अमल नहीं करेंगे या हो सकता है समझ भी लें पढ़ भी लें लेकिन माल की मोहब्बत की वजह से ज़क़़़त की अदायगी को ज़रूरी ना समझें तो क्या होगा क़यामत के दिन बहुत ही मुशक्क़त में पढ़ सकते हैं बहुत शदीद अज़ाब होगा जिस चीज़ की ज़क़़त नहीं दी होगी उसी चीज़ से अजाब मिलेगा अगर सोने चांदी की नहीं दी होगी तो उन्हीं को तपा के उन्हीं को हमारे जिस्म पे लगा के हमें जलाया जाएगा अल्लाह ना करे और जानवरों की नहीं दी होगी तो वही उस दिन हमें अपने पैरों के नीचे कुचलेंगे बहुत ही डरने वाली अहदीस हैं और ज़क़़त की अहमियत को समझना चाहिए हमें इन अदीस को पढ़ने के बाद और अपने प्यारों को भी यह हदीस बतानी चाहिए ताकि वो भी ज़कवात की अहमियत को समझ सकें और इसकी अदाई ना करके दुनिया व आख़रत के इसके जो नुकसान हैं और जो आख़रत का जवाब है उससे बच सकें जी पहली हदीस है जब सोने और चांदी की ज़क़़़़़त अदा ना की जाए क्यामत के दिन उस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाकर आग में तपा कर यानि करके उनके यानी उनके जो मालिक हैं उनकी पेशानी पीठ और पहलू दागे जाएंगे यानी जलाए जाएंगे दूसरी हदीस है जिन जानवरों की ज़क़ात अदा ना की जाए क़यामत के दिन वो जानवर अपने मालिक को यानी जिसने ज़क़ात अदा नहीं की होगी पचास हज़ार साल तक अपने पाँव तले रोंदते रहेंगे अन अभी हुररा तरदी तो अनुकाल हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره" كلما ردت وعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقع قرقر أو فرى ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تتعوه بأخفافها وتعدوه بأفواهها ، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصاها ولا جلحاها ولا أدباء بقرونها وتتوه بأذلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم हज़रत अबू हर रज़ी कहते हैं कि रसोल्ला सल्ला वम ने फरमाया जो शख्स सोने और चांदी का बालिक हो लेकिन इसका हक यानी ज़क़़त अदा ना करे तो क्या के दिन इस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएँगी यानी प्लेट्स बनाई जाएंगी फिर इनको प्लेट्स को जहन्नुम की आग में गर्म किया जाएगा फिर इन तख्तियों से ज़क़ात का इनकार करने वाले के पहलू पेशानी और पीठ पर दाग लगाए जाएंगे यानी इन तख्तियों से उसे जलाया जाएगा जब कभी ये तख्तियाँ गर्म करने के लिए आग में वापस ले जाई जाएंगी, यानी जब ठंडी हो जाएंगी तो फिर दोबारा तपाई जाएंगी तो दोबारा अजाब देने के लिए लौटाई जाएंगी यानी फिर वापस लाया जाएगा अजाब देने के लिए गर्म करके इन से ये सलूक सारा दिन होता रहेगा जिसका अर्सा पचास हज़ार साल के बराबर है यहाँ तक कि इंसानों के फैसले हो जाएंगे, फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या दोजख की तरफ अर्ज़ किया गया यार सल्ला सल्ला वलम फिर ऊँटों का क्या मामला होगा आप सल्ला वसल्लम ने फ़रमाया जो शस ऊंटों का मालिक हो और इनका हक़ यानी ज़कात अदा ना करे और इसके हक़ से ये भी है कि पानी पिलाने के दिन का दूध दोहे और अरब के रवाज के मुताबिक ये दूध बसाकिन को पिला दे वो क्यामत के दिन एक हमवार मैदान में ओंधे मुंह लटाया जाएगा यानी मुंह नीचे होगा और कमर ऊपर आसमान की तरफ और वो ऊंट बहुत फरबा और मोटे होकर आएंगे उनमें से एक बच्चा भी कम ना होगा यानी सब के सब आएंगे और इस जकात का इनकार करने वाले को अपने खुरों पाँव से रोंदेंगे देंगे, यानी मसलेंगे और अपने मुंह से काटेंगे जब पहला ऊंट ये सलूक करके जाएगा तो दूसरा आ जाएगा इससे ये सलूक सारा दिन होता रहेगा जिसका अरसा पचास हज़ार साल के बराबर है यहाँ तक के लोगों का फ़ैसला हो जाएगा फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या जहन्नुम की तरफ अर्ज़ किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय और बकरी के बारे में क्या अर्शाद है फरमाया कोई गाय और बकरी वाला ऐसा नहीं जो इनका हक यानी जकवात अदा ना करे मगर जब क्यामत का दिन होगा तो वो ओहंदा लटाया जाएगा एक हमवार ज़मीन पर और इन गाय और बकरियों में से कोई कम ना होगी सबकी सब आएंगी और इन में से कोई सींग मुड़ी ना होगी ना बग़ैर सींगों के और ना टूटे हुए सींगों वाली वो इसको अपने सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से देंगी जब पहली गुजर जाएगी तो पिछली आ जाएगी यानी लगातार आती रहेंगी दिन भर ऐसा होता रहेगा जिसकी मुदत पचास हज़ार साल के बराबर है यहाँ तक के बंदों का फ़ैसला हो जाएगा फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ देखे या दोज़ख की तरफ़ देखे इससे मुस्लिम ने रिवायत किया है यहाँ जो कहा जा रहा है ना, फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ़ देखे या दोज़ख की तरफ तो इससे यही पता चलता है कि अगर दीगर तमाम मामलात दुरुस्त हुए यानी उसने दीगर जो फ़्राइज़ हैं उनकी अदायगी अगर की होगी तो ज़क़़त अदा ना करने की सज़ा भुगतने के बाद जन्नत में भी जा सकता है और अगर उसने ज़क़़त भी नहीं दी और बाकी जो फ़्राइज़ हैं उनकी भी अदायगी नहीं की हुई तो फिर वो दो जख्म में भी जा सकता है अनिलहना फिबनी क़िनु अनहू قال كنت في نفر من قريش فمر أبو زر رضي الله عنه وهو يقول بشر القانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أكفائهم يخرج من جبائهم قال ثم تنحى فقعد قال قلت من هذا قالوا هذا أبو زر قال क़ला फ़ुम तो फ़ुल तुम शय समु का तक़ुल क़ैल क़लमा कुल शैन समत नबीम सल्लासम रवाऊ मुसलिम अहनफ बिन कैस रज़ी कहते हैं कि बह कुरैश के चंद लोगों में बैठा हुआ था कि अबू ज़र रज़ी आए और कहने लगे ख़ज़ाना चबे करने वालों को बशारत दे दो दाह की जो उनकी पीठ पर लगाए जाएंगे, यानी ख़ज़ाना जमा करने वालों को खुशखबरी दे दो एक दाह की यानी तपाया जाएगा उनकी पीठों को और उनके पहलुओं से वो आर पार हो जाएंगे उनकी गुदियों यानी गर्दन में लगाए जाएंगे तो उनकी पेशानियों से आर पार हो जाएंगे फिर अबूज़र रज़ी लहू एक तरफ होकर बैठ गए तो मैंने लोगों से पूछा ये कौन है लोगों ने बताया ये अबू ज़र रज़ी हैं चुनाचे मैं उनकी तरफ़ गया और अर्ज़ किया ये क्या था जो मैंने अभी अभी, अभी आपसे सुना जो आपने फ़रमाया हज़रत अबूज़र ऱी अन्हु ने कहा मैंने वही कहा है जो मैंने इन मुसलमानों के नबी मुस्लिम ने रिवायत किया है अगली हदीस है जक़ातः देने वालों का रुपया पैसा क्यामत के दिन गंजा साम बनकर उनको डसे और काटेगा अबी क़ाल तदीअन क़ौल कौल रसूल सल्हसमा मन आताहुल्लाहु माला फ़लम याद ज़कातहु मुसिला मसीू मालू यो मक़यामती شجعا أكرع له زبيبتان يطوقوه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك وأنا كنزك ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم

उसके गले का तोक बन जाएगा यानी गर्दन में लिपट जाएगा जैसे हार होता है फिर उसकी दोनों बाँछे पकड़ कर कहेगा यानी होंटों की दोनों साइड्स पकड़ कर कहेगा मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि ने ये आयत तलावत फरमाई जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फ़जल से माल दिया है और वो बखीली करते हैं तो अपने लिए बहल बेहतर ना समझें बल्कि इनके हक में बुरा है अनकरीब क़यामत के दिन ये बखीली उनके गले का तौक बनने वाली है इसे बुखारी ने रिवायत किया है अगली हदीस है जिस बाल से अल्लाबान तै का हक़ अदा ना किया जाए वो बाल दबाव बर्बाद हो जाता है अन अबी हरार तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकूल إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرصا وقرا وعما بد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن قد كدرني الناس قال فمسحه فذهب عنه فأُعطي لونا حسنا وجلدا حسنا فقال: وأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل فأُعطي ناقة أشرأ فقال: يبارك لك فيها، وأتى الأكرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا قد كثر الناس قال فمسحه فذهب وعوتي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر قال فعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها وآتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، قال: فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولدا هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم ، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ إليه في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرس يكذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال لقد ورثت لكابر أَنْ كابر فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت فأتى الاقرأ في صورته وهيئته فقال له مثل با قال لي هذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا وسيرك الله إلى ما كنت وتلعام في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فقال أغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك ما لك فإن مبتليتم فقد رضي الله عنك واسخطي على صحبيك رواه البخاري हजरत अबू हरैरा रसी अल्ला कहते हैं कि उन्होंने नबरी अक्रम सल वलम से सुना आप सल्ला फरमाते थे बड़ी इसराइल में तीन आदमी थे एक कोड़ी यानी उसे कोड़ की बीमारी थी दूसरा गंजा और तीसरा अंदा था अल्लाह सुबहाना तला ने इनको आसमाने का इरादा फरमाया लिहाजा इनकी तरफ़ एक फ़रिश्ता भेजा वो फरिश्ता कोड़ी के पास आया और कहने लगा तुझे कौन सी चीज़ बहुत प्यारी है उसने कहा अच्छा रंग और अच्छा बदन और वो चीज़ मुझसे दूर हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं यानी कोड़ की बीमारी ख़त्म हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़रिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा बस इससे उसकी गंदगी यानी बीमारी दूर हो गई और वो अच्छे रंग और अच्छे बदन वाला हो गया फिर फरिश्ते ने कोड़ी से पूछा तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है उसने कहा ऊंट या कहा गाय रावी इसहाक जो है उनको शक है कि कोड़ी और गंजे में से एक ने ऊंट कहा और दूसरे ने गाय कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे एक हामला ऊंटनी दे दी गई और कहा अल्लाह तुझे इसमें बरकत दे आप सल वसल्लम ने फ़रमाया फिर वो फरिश्ता गंजे के पास आया और कहा तुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है गंजे ने कहा ख़ूबसूरत बाल और वो चीज़ मुझसे दूर हो जाए जिससे लोग मुझसे नफ़रत करते हैं यानी गंजापन ख़त्म हो जाए वसल्लम ने फ़रमाया फ़रिश्ते ने इस पर हाथ फेरा इसका गंजापन जाता रहा और ख़ूबसूरत बाल उसे दे दिए गए फरिश्ते ने पूछा तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है उसने कहा गाय बस एक हामला गाय उसे दे दी गई और फरिश्ते ने कहा अल्लाह तुझे इसमें बरकत दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कौन सी है उसने कहा अल्लाह मुझे बेनाई दे दे यानी मेरी आँखें वापस आ जाएँ ताकि मैं लोगों को देख सकूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्ते ने इस पर हाथ फेरा अल्लाह सबाना तआला ने इसकी बेनाई वापस कर दी फ़रिश्ते ने कहा तुझे सबसे ज़्यादा माल कौन सा पसंद है उसने कहा बकरियाँ उसे खामला बकरी दे दी गई बस बच्चे लिए कोड़ी और गंजे ने ऊँट और गाय के और अंधे ने बकरी के जिससे कोड़ी के लिए एक जंगल ऊंटों से भर गया गंजे के लिए एक जंगल गाय से भर गया और अंधे के लिए एक जंगल बकरियों से भर गया क्योंकि बरकत की दुआ मिली थी ना तो पूरा जंगल उनके बच्चों से भर गया और वो भी बड़े हो गए आप वसल्लम ने फरमाया फिर कुछ अरसे बाद फरिश्ता कोड़ी के पास उसकी पहली सूरत और शक्ल में आया, यानी जैसे उसको कोड़ था वैसा ही फरिश्ता भी बन कर आया कि इसको भी कोड़ की बीमारी थी और आकर कहा गरीब आदमी हूँ सफ़र में मेरा मालो जाया हो गया है अब मेरा आज के दिन अपनी मंजिल पर पहुँचना अल्लाह की मेहरबानी और तेरे सबब से है यानी अल्लाह तुझे सबब बनाए तो मेरी मदद कर सकता है कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं मैं तुर से उसी के वास्ते से मांगता हूं जिसने तुझे अच्छा रंग जिसम और माल दिया है एक ऊँट चाहता हूँ जिसके ज़रिए अपनी मंजिल पर पहुँच सकूँ कोड़ी ने कहा हकदार बहुत हैं यानी ख़र्च ज़्यादा है माल कम है फ़रिश्ते ने कहा मैं तुझे पहचानता हूँ क्या तू कोड़ी ना था यानी मैं भी कोड़ी बनकर आया हूँ तो तू भी तो कोड़ी था और लोग तो उससे नफ़रत करते थे और तू गरीब था अल्लाह ताला ने तुझे सेहत दी माल दिया कोड़ी ने कहा मुझे तो ये माल दौलत बाप दादा से वरासत में मिला है फरिश्ते ने कहा तू झूठा है अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उसे वही कहा जो कोड़ी से कहा था गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोड़ी ने जवाब दिया था फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो फरिश्ता अंधे के पास आया उसकी सबका सूरत में यानी अंधा बनकर और कहा गरीब मुसाफिर हूँ सफ़र में मेरा मालो बाप जाता रहा है आज मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी और तेरे सबब से तुझसे उसी ज़ात के वास्ते से मांगता हूँ जिसने तुझे बनाई दी एक बकरी चाहता हूँ कि इसके बायस में अपनी मंजिल पर पहुँच सकूँ ने कहा बेशक मैं अंधा था मुझे अल्लाह ताला ने बनाई दी बस तू जो चाहे ले ले और जो चाहे छोड़ दे अल्लाह की कसम आज के दिन मैं तेरा हाथ नहीं पकडूंगा। इस चीज़ से जिसे तू अल्लाह के लिए लेना चाहे यानी अल्लाह के नाम पे जो चाहे ले ले फरिश्ते ने कहा अपना माल अपने पास रख हकीकत यह है कि तुम तीनों को आजमाया गया बस तुर से अल्लाह राज़ी हुआ और तेरे दोनों साथियों पर नाराज़ हुआ अल्लाह ने उन पर गु़स्सा किया इसे बुखारी और मुस्लिम में रिवायत किया है इस हदीस से हमें काफ़ी बातें पता चलती हैं कि अल्लाह दे भी सकता है और ले भी सकता है और अल्लाह कभी दे कर आजमता है और कभी ले कर आसमाता है और इंसान हमेशा उसी चीज़ की ख़्वाहिश करता है जो उसके पास ना हो और हमारे लिए भी सबक है कि इंसान को अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए अल्लाह ताला के एहसान को नहीं भूलना चाहिए इस हदीस से ये भी पता चलता है कि दुनिया की सारी मादी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ही की रज़ा से मिलती हैं अगर के सबब तो लोग ही होते हैं और हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए इससे उनमें बरकत हो जाती है हमें हकदारों का ज़रूरतमंदों का ख़्याल रखना चाहिए इस हदीस से हमें यह भी पता चलता है कि हमें जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही मांगना चाहिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए जैसे कोड़ी और गंजे ने बड़े बड़े जानवर मांगे जबकि अंधे के मांगने में आर्जी थी उसने बकरी मांगी अगली हदीस है ज़क़़ त देने वाला दो ज़ख़ी है

ज़क़़त अदा ना करने वाले लोगों को अला सुबहाना कहत साली में मुब्तला कर देते हैं अन बुराद तदी अला रसोल सल वस मना ज़क़ा तब तला बसिन रवाऊ तबरानी हज़रत बुराद रज़ी कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ज़क़़त अदा ना करने वाले लोगों को अल्लाह ताला कहत साली में मुबला कर देते हैं इसे तबरानी ने रिवायत किया है अगली हदीस है ज़क़़़त अदा न करने वाले पर रसोल्ला सल वम ने लानत फ़रमाई है "अन अली अल्ला क़ौल रसोल आकिल रिबा व मू व शाहिदा हु वक़ाति बहू वलवाशीमती वलमोस्ताविमति वानी असदती वमो हिलीला वलमो हलीला लहू रवास्बा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अल्लाहू कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद खाने खिलाने गवाही देने और किताबत करने वाले सब लोगों पर लानत है नीस बाल गोंदने और गुंदवाने वाली पर यानी नकली जो बाल लगवाते हैं उन पर और ज़क़ात अदा ना करने वाले पर हलाला निकलवाने और निकालने वाले पर भी लानत फरमाई है इसे असबीहानी ने रिवायत किया है हलाला ये होता है कि जब तीन तलाक़ें दे दी जाएं और फिर दोबारा निकाह करना हो उसी शौहर से तो फिर उस औरत को किसी मर्द से निकाह करना होता है लेकिन अगर निकाह इस शर्त पर किया जाए कि वो इसे तलाक़ दे देगा ताकि दोबारा अपने सबका शोहर से निकाह कर ले तो लानत फरमाइए ऐसी औरत पर और ऐसे मर्द पर भी जो हलाला निकलवाए और जो निकाले यानी जिस मर्द ने शादी की इस शर्त के साथ कि वो उसको तलाक़ दे देगा उससे भी लानत है जिस औरत ने की उस पर भी और जिस सबका शौहर ने करवाई इस नीयत से कि ये तलाक़ ले लेंगे ये निकाह करवाया उस पर भी लानत है अल्लाह हमें इन अहकाम को इन हदीस को बेहतरीन तरीके से समझने की और उन अमल करने की तोफ़ीक़ा फ़रमाए और हमें हर तरह के दुनिया व आख़रत के अजाब से और आजमाइशों से बचाए आमीन सुबाम अपना बहुत ख्याल रखिएगा सुबह न कल हम हमदी का न शदुल्ल अंत व न तो والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته